अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल एफटीसी व्लॉग। तो भाई आज का व्लॉग जो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अमृतसर टांगरा से कर रहे हैं स्टार्ट। भाई यहां पे आए हैं कौन सी स्टार बैंड है, सन स्टार राइस मिल, यहां से चोल लोड करने हैं हम लोग कांडला के लिए। आज हमारा जो ट्रिप है अगला स्टार्ट होने जा रहा है भाई गुजरात के लिए। गुजरात से फिर हम देखते हैं कहाँ का माल लोड करेंगे। फिलहाल हम लोग आ चुके हैं सुबह से यहाँ, और आते ही हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो गया भाई लंगर पानी का काम। 9 बज गए हैं सुबह के, 10 बजे मिल खुलेगी। सब्जी हमारी कट के रेडी है, उधर आटा गूंदने की तैयारी है। ये कहाँ आटा गूंदते थे, चावल खत्म हो गए ना, फिर पेट में जब चूहे दौड़ते हैं फिर बहुत कुछ करना पड़ता है। तो चलो भाई करते हैं अपना आज का ये खाने पीने का सिस्टम है, ये ओके करना है। तो ये ज्यादा पड़ पड़ करने वाला बंदा आ चुका है भाई, फुलके खाने वाला बंदा यही है। ठीक है भाई, नहीं तो सारे चावलों पे थे। हां चावलों में थे, चलो ठीक है भाई, रखी वैसे ही थी। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे कादरे साथ ने तड़का लगाना शुरू कर लिया भाई। क्यों कादरे? हाँ भाई सब्जी अपनी बनके रेडी है, अब अमित बना रहा फुलके। आपने ट्राई मारी थी? हमने ट्राई मारी भाई, मेरे से अच्छे नहीं बने, तो अब अमित ही बना रहा है। अमित बोलता छोड़ो तुम खुद बना लेते हैं। छोड़ो नहीं, फुलकों में तरस खाया था, भी बोला छोड़ो। तो भाई आगे हम लोग फैक्ट्री में माल लोड करने के लिए गाड़ी रेडी कर ली है हमने, बस अब लेबर का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि लेबर कर रही है दूसरी गाड़ी लोड। ये फैक्ट्री है सन स्टार, और यहाँ पे हो रही है अपनी लोडिंग, अंदर माल पैकिंग हो रहा है और रेडी कर दी हमने तिरपाल वगैरह डाल के। अब ये सीटें जब तक हमारी एडजस्ट नहीं होगी तब तक इनका हमारे साथ पंगा ही रहेगा जम्मू तक, चलो देखते हैं। तो भाई यहाँ पे लगी है अपनी गाड़ी, और देखते हैं कब तक अपनी लोडिंग जो है वो स्टार्ट होती है। तो भाई गाड़ी अपनी लोड हो चुकी है पूरी, अब इसको पहले करेंगे जाला। जाला करने के बाद रस्सा तिरपाल डालेंगे पूरा ओके करके। ये वाली मिल थी जहाँ से हमने जो अपना माल लोड किया है। अपनी गाड़ी का जाल है जो वो हो चुका है, बस अब तिरपाल डालना है ऊपर, दो तिरपाल डालेंगे भाई हम इसके ऊपर। ये सिखा रहा है भाई, एक कादरा दूसरे कादरे को सिखा रहा है। अमित की क्लास लग रही है भाई तिरपाल सेट करने की। ऐसे रखना पकड़ के उधर से, नीचे निकाल दे, नीचे नीचे नीचे। हाँ तिरपाल पकड़ के रखा है ना, ये कुंडे से कितना ऊपर है तिरपाल, ये कपड़े वाला तिरपाल कुंडे से ऊपर कितना चला गया है। कुंडा कहाँ है? चल ठीक है। लो भाई अपना तिरपाल वगैरह जो है वो हो चुका है, अब लास्ट डाला जो है वो पूरा सेटिंग कर रहे हैं भाई। निकालो तिरपाल के वैसे। अब ये वाला तिरपाल लंबा था जाले से, तो इसलिए हमने इसको निकाल ही दिया है। अब हमने फिक्स टू जाला तिरपाल जो वो तैयार कर लिया है। आपके सामने गाड़ी अपनी रेडी है, देख सकते हो, देख लो भाई रेडी हो चुकी है अपनी गाड़ी टू गुजरात। ज्यादा ऊपर खींची क्या कर रहा?
सही रेट ना सही। जीरा पहुंच गए भाई और यहाँ पे खाना खुना अपना हो चुका है और अब यहाँ से निकलेंगे, आगे जाके यूरिया वगैरह लेंगे। शीशे साफ कर रहा है अमित, यूरिया भी गाड़ी में एक ही सेल बचा है, तो चले निकलते हैं, अभी करते हैं अपना सफ़र कंटिन्यू और निकलते हैं। कर अच्छी तरह से साफ, अच्छी तरह से कर, अच्छी तरह से। हम लेते हैं कंबल। पहुंच गए हम लोग जीरा में और यहाँ से लेंगे यूरिया की बाल्टी। खुला नहीं पैंता इतने, मैं पता है बाल्टी लेने पैनी। रात का 1 बज चुका है और हम लोग पहुंचे हैं इस टाइम डब वाली बठिंडा पार करके और यहाँ से डलवा रहे हैं डीजल, क्योंकि पंजाब से अमृतसर से हमने वो वाली टैंकी में, मतलब जो स्पेयर टैंकी है उसमें डीजल नहीं डलवाया था, तो अमृतसर से चल के यहाँ तक हमारी गाड़ी ने 3.5 की एवरेज दी है, ताकि 3.5 से भी कम की दी है। और इस टैंकी में हमारा पड़ गया 70 लीटर डीजल, 71 लीटर। अब इस टैंकी जो एक्स्ट्रा है उसमें भी हम 400 लीटर डीजल जो है वो डलवा लेंगे। तो चले डलवाते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं, करते हैं अपना सफ़र कंटिन्यू। भारत का पंप है यहाँ पे, हम बड़े दिन के बाद आए हैं, पहले आते थे जब हम केले पे चलते थे। ये देखिएगा भाई बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, हम अंदर ही बैठे हैं, लड़के लोग बाहर टैंकी है जो है। निकल चुके हैं यहाँ से डीजल वगैरह डलवा के और अपना सफर जो है कंटिन्यू कर लिया है। और साझे कहाँ पहुँचने वाले हैं? डब वाली पहुँच गए भाई, मतलब यहाँ से अब पंजाब की जो सरहद है वो ख़त्म हो चुकी है, अब इंटर हो चुके हैं हम लोग हरियाणा में। हरियाणा भी बस थोड़ा सा ही, कितना किलोमीटर हरियाणा होगा इसमें? 40 किलोमीटर बोल रहे हैं उस्ताद जी के, हरियाणा है, मुझे लगता है कि 40 से कम ही है, बाकी देख लेते हैं आगे, क्योंकि यहाँ से अभी हमें संगरैया पार करते ही राजस्थान स्टार्ट हो जाएगा भाई। वो लिखा हुआ सामने वेलकम टू हरियाणा, ये भाई स्टार्ट हो गया, जैसे बॉर्डर स्टार्ट होता है वैसे ही डबल ही स्टार्ट हो जाता है हरियाणा का मेन सिटी। लाइटें चेक करो ना, पूरा मतलब हिंदुस्तान का तिरंगा बनाया हुआ है, दिमाग लगा लो। तो क्या मुस्करा रहा है, डबल ही सिटी। रात के 2 बजे कर रहे हैं पार, पूरे 2 बजे जाना। रात के भाई बज रहे हैं 2 और हमारी गाड़ी में यूरिया वो ख़त्म हो चुका है, मतलब 0% रह गया है, 16% के करीब है। तो हमने अभी तक कम से कम पंजाब से लेके यहाँ तक 2-3 गैरेज देख लिए हैं, जो कि लिखा हुआ होता है 24 घंटे सर्विस, 24x7 लिखा हुआ ना, और यहाँ पे कोई सर्विस नहीं है भाई। मतलब 3-4 गैरेज हम लोग घूम गए हैं, अब जिस गाड़ी को कच्चा माल लोड होगा वो कहाँ जाएगी, ये प्रॉब्लम है। टाटा वाले दावा तो बहुत ज़्यादा करते हैं पर सर्विस बिल्कुल ज़ीरो है। यहाँ से भी हम लोग जा रहे हैं भाई खाली, मतलब कोई यूरिया नहीं मिला हमें, कोई कुछ नहीं। अब 16% से देखते हैं भाई कहाँ तक गाड़ी हमारी पहुँचती है। अब जाके मिला हमें भाई यूरिया, वो भी 1, 2, 3, 4 गैरेज पे जाके। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल FTC व्लॉग। तो भाई आज का व्लॉग जो हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान से, और इस टाइम हम लोग पहुंच चुके हैं बीकानेर पर। बीकानेर है तो है पर कहां पे है, न्यू एक्सप्रेस पे है जो कि अमृतसर से जामनगर आएगा, पर इसका कुछ पार्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका है, उस रोड पर हम आज पहली बार।
जामनगर अमृतसर एक्सप्रेस ही कहेंगे वहाँ पे है, पर हम पल्लू से अंदर आए थे। वहाँ से जो पल्लू से बीकानेर की साइड रोड जाता है वहाँ से आके हम लोगों ने इस रोड पे एंट्री ली थी। अब देखते हैं कि कहाँ जाके हम इस रोड पे आउट होंगे। कहा जाता है कि 400 से 500 किलोमीटर का एरिया ये राजस्थान में है जो वो रेडी हो चुका है। तो रेडी क्या, रेडी है हो चुका क्या कि रेडी है, इस टाइम हम उसी रोड पे हैं। ये देख सकते हो आप, ये वाला जो एरिया सीधा जा रहा है बल्होत्रा साइड, जहाँ से आपको बीकानेर का कट भी मिल जाएगा, और ये वाली जो साइड है वो है पल्लू साइड, मतलब हनुमानगढ़ साइड। तो हमें पल्लू वाले कट पे उतर के सीधा पल्लू की ओर चले जाना है। और इस पे देख लो बहुत तेज़ी से गाड़ी आ रही है, और अपनी वाली गाड़ी यहाँ पे रुकी है भाई। ये देख लो यहाँ पे कोई होटल वगैरह नहीं है, सिर्फ एक चाय की टपरी है छोटी सी, यहाँ पे चाय वगैरह पी ली हमने, अब रेडी हो चुके हैं। तो चले निकलते हैं और करते हैं अपना सफ़र कंटिन्यू आगे की ओर। देखते हैं कब तक हम बल्होत्रा पहुंचते हैं, शाम तक पहुंचते हैं कि कम कितना टाइम लगता है कितना नहीं, ठीक है ना। बाकी जो भी है, जो भी अपडेट होगी इस हाईवे की वो हम आपको देंगे। आपको इस एक्सप्रेस पे कोई भी है, फिलहाल अभी ये छोटे सॉरी ये बन रहे हैं रेस्टिंग एरिया हर 50 किलोमीटर पे, पर अभी रेडी नहीं है क्योंकि अभी एक्सप्रेस ही रेडी नहीं है, तो ये कहाँ रेडी हो जाएंगे। तो ये रही अपनी गाड़ी, तो चले भाई निकलते हैं, करते हैं अपना सफ़र कंटिन्यू यहाँ से आगे का। ये देख लो सामने नोखा का कट है, नोखा यहाँ से है 4 किलोमीटर, एक साइड नोखा चला जाता है, दूसरी साइड बीकानेर की ओर चले जाएंगे। बीकानेर जो है वो इस साइड है, ये देख सकते हो अभी कितनी तेज़ गाड़ियाँ आ रही हैं। स्पेशली ये एक्सप्रेस पोर्ट के लिए है। चलो भाई निकलते हैं अभी यहाँ से, और साथ में अपनी जो शिफ्ट है वो भी चेंज हो चुकी है। उस्ताद जी अभी अखरोट खाने में बिजी है, और हमने अपना सफ़र जो है वो अभी आगे की तरफ कंटिन्यू कर लिया भाई। सिर्फ और सिर्फ इस रोड पे एक चाय की टपरी मिली है, चाय पीने के बाद अब निकलेंगे। पता नहीं कहाँ पे जाके कहीं ढाबा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो बात की बात है। पर इस रोड पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है भाई, जिस गाड़ी की लाइनमेंट आउट होगी ना, उस गाड़ी के टायर ऐसे उड़ेंगे ना जैसे कि कोई रंधा ले, लकड़ी वाला रंधा होता है ना जो उसके साथ जो काटता ना, वैसा सिस्टम रहेगा। उस्ताद जी ऐसा ही है बिल्कुल भाई, जिस गाड़ी की अलाइनमेंट आउट होगी उस गाड़ी के लिए ये वाला रोड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है भाई। बाकी आप लोग समझदार हो, तो चले निकलते हैं, करते हैं अपना सफ़र कंटिन्यू, मिलते हैं आपको अगली नेक्स्ट लोकेशन में। और हमारे उस्ताद जी बिजी है अखरोट खाने में अभी, तो अमित साहब बिजी है चाय पीने में। अमित चाय ठंडी होगी तरीके, वाला रोड दिखाते हैं हम आपको, जो कि बीकानेर से जोधपुर या फिर नोखा की तरफ जाता था, वो दिखा देते हैं भाई। ये रहा वो नीचे वाला रोड, वो पुराना वाला जो ये वाला, ये फोर लाइन इससे भी वो कट के जो टोल बनाया था, ये पुराना वाला रोड है बीकानेर की साइड से आता है, वही बीकानेर आंदा यार। तो भाई जोधपुर के आसपास पहुंच चुके हैं हम लोग, जोधपुर इस साइड रह जाएगा और फलौती जो है वो इस साइड रह चुका है, उसके सेंटर में से रोड निकलेगा बल्होत्रा के नज़दीक, नज़दीक से बल्होत्रा इस साइड रहेगा, और लगभग फलौती पार कर लिया और जोधपुर के इर्द गिर्द हैं हम लोग। इस एक्सप्रेस पे अभी
भाई सही तरीके से, कोई ढाबा नहीं है, कोई टायर वाला नहीं है, कोई मतलब चाय वाले बहुत मिल जाएंगे आपको रोड के इस साइड, टपरियाँ बनी हुई, और टायर वाला भाई मुश्किल है, वो जो भी आए भाई अपना पूरी स्टपनी स्टपनी साथ में लेके आए, हमारी तरह बिना स्टपनी के मत आए यार। और मुझे तो बहुत ही अच्छा रोड लगा, सुनसान रोड है, मतलब सबसे बड़ी बात है कि छोटी बाइक वगैरह का कोई टेंशन की बात नहीं है, जब ये रोड पूरा कंप्लीट हो जाएगा जम्मू से जामनगर तक, फिर तो मज़ा यार इस रोड पे चलने का। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं कब तक हम बल्होत्रा पहुँचते हैं, चेक कीजिए दुबई वाली फील आती है कि नहीं आती है, डेजर्ट एरिया, क्या यार क्या चीज है, जहाँ तक देखोगे सीधा सीधा रोड रहेगा तो क्या मजा आएगा। भाई एक्सप्रेस उतर के आ गए हैं नीचे संधेरी वाले रोड पे, और अपना हो चुका है टायर पंचर, ब्रेक पंचर है और बनवा लेंगे इसको अभी। ये देखिए यहाँ पे तिल लग चुका है, और ये है अपना संधेरी वाला रोड जो संचौर रोड को जाएगा, और एक्सप्रेस है इस साइड। चलो टायर खोलते हैं, बनवाते हैं, साथ में खाना खाते हैं। तो भाई अपना खाना पीना वगैरह करवा ली है, अब निकलेंगे यहाँ से, करेंगे अपना सफ़र कंटिन्यू। और यहाँ पे लगाया हमने टायर पंचर, ग्रीस भी हो गई है, निकलते हैं करते हैं अपना सफ़र कंटिन्यू। अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल FTC व्लॉग। तो आज भाई हमें तीसरा दिन है और हम लोग पहुँच चुके हैं, इस टाइम गुजरात इंटर हो चुके हैं काफ़ी टाइम से, रात को हम सो गए थे आके चोर से पीछे पंजाबी ढाबे में, और वहाँ से सुबह 4 बजे उठ के चले हैं। अभी हम लोग इस टाइम है सुई गांव वाले रोड पे, और लगभग यहाँ से हमारा जो सफ़र है वो 200 किलोमीटर से कम ही रह चुका है गांधीधाम का। तो चले मिलते हैं आपको सीधा, अभी फ़िलहाल एक्सप्रेस छोड़कर, और अब हम लोग आ चुके हैं अंदर वाले रोड से, जिस रोड की सदियों से यही हालत है, गड़ल 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 गड़ल, और अब हो जाएगा मसला हल जल्दी से जल्दी, करवा देंगे भाई एक्सप्रेस बनवा देंगे जी, क्योंकि ये वाला रोड जो है रात को चलने के लिए सेफ नहीं है, रात के लिए ये वाला रोड जो है वो सेफ नहीं है। और यहाँ पे आप लोगों को पता है सिर्फ घोड़े मिलेंगे, और ये हमारा मिस्टर त्रिपाठी साहब, त्रिपाठी के ही उधर यूपी बिहार में होते थे, यहाँ पता नहीं कैसे पहुँचे, ये है ही उधर की। फाइनली भाई हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे रतन गडौन गांधीधाम, और अब गाड़ी जा रही है आगे कांटा करवाने, कांटा करवा के फिर ना जाओ आप, कांटा करवा के फिर आ जाएगी गाड़ी वापस, तब तक के लिए मैं इधर ही रुका हूँ, अभी भेजा इसको कांटा करवाने के लिए, आएगी गाड़ी कांटा करवा के, कांटा करवाने के बाद फिर देखते हैं कि अनलोड हो जाए, गाड़ी तो अपनी एक ही है, दो गाड़ियां और हैं, देखते हैं कि खाली होती है कि नहीं होती है, फिलहाल ये तो जा रहा है कांटा करवाने। आगे भाई गाड़ी अपनी कांटा करवा के, कांटा करवाने गई थी और वहां से कांटा करवा के आ चुकी है, अब इस गोडाउन में लगाएंगे खाली करने के लिए। भाई अपनी गाड़ी अनलोड होने जा रही है, उन्होंने बोला कि त्रिपाल वगैरह जो है वो उठा लो,
अब त्रिपाल खोलने लगे हैं, देखते हैं फिर उसके बाद कब अनलोड होती है अपनी गाड़ी। अपनी गाड़ी का नंबर आ चुका है भाई और गाड़ी लेके जा रहे हैं हम लोग अंदर खाली करने के लिए। ये सीधा मेरे ख्याल से गोडाउन के अंदर ही लेके जाएंगे, अंदर लगाएंगे गाड़ी भाई। अनलोडिंग भाई अपनी स्टार्ट हो चुकी है और ऊपर त्रिपाल खोलने का काम भी स्टार्ट हो चुका है भाई। त्रिपाल खोल के रख देंगे, उसके बाद पता नहीं कौन सा क्या सामान लगेगा वो तो बात ही पता है। फिलहाल त्रिपाल जो है हम खोलने लगे हैं। हो चुकी है भाई अपनी गाड़ी आधी से आधी होगी, मतलब आधी क्या पूरी खाली हो चुकी है, तो सब थोड़ा सा माल और बचा है खाली करके फिर जाते हैं किसी ट्रांसपोर्ट पर। फाइनली भाई अपनी गाड़ी जो है वो खाली हो चुकी है, बस लास्ट एक दांग बची है, फाइनली खाली हो चुकी है। 10-12 तोड़े जो है वो बच चुके हैं, तो चलें टाइम से खाली होगी फिर आगे सर्च करते हैं वापसी। पंजाब से चल के तीसरे दिन हमने गाड़ी खाली कर ली है, लोडिंग वाला दिन भी बीच में आ गया, एक दिन रास्ते में लगाया और अब आज हमने तीसरे दिन यहाँ पे खाली कर ली है। तो अभी निकलते हैं, लोडिंग लगती है। तो फाइनली भाई गाड़ी अपनी अनलोड हो चुकी है, अब लगा रहे हैं गाड़ी में फट्टे। क्या हो गया भाई, पागल हो गया? नहीं, नंबर गलत हो गया बंदे से। तो चले फटे लगा के गाड़ी का कांटा करवा के ला के लाते हैं, पहुंच वगैरह लेते हैं, फिर आगे का सिस्टम देखें। अगर आज तो नहीं हुआ फिर मंडे पर नंबर है, चलो देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली भाई अपनी गाड़ी जो है अनलोड हो चुकी है, अभी गडौन से आ रही है बाहर, ये जाएगी अभी कांटा करवाने। कांटा करवाने के बाद फिर हमें रिसीविंग है वो मिलेगी। तो चले निकलती है गाड़ी और कांटा करवा के आती है, मैं रुकूंगा इधर ही यहीं पे वेट करूंगा। तो ये लोग जाएंगे कांटा करवाने। तो फाइनली भाई खाली खुली करके हम लोग आ चुके हैं पार्किंग में, अब देखते हैं सुबह क्या होता है और आए कहाँ हैं जहाँ से हमारे पंगू ट्रकिंग ब्लॉक भाई पंगू जी गाड़ियाँ लोड करता सी ना एसटीसी कंपनी वहाँ। ये है वो एसटीसी कंपनी जहाँ पे हम लोग आए हैं और ये रही अपनी गाड़ी। तो भाई नहाने लगे हैं, एक बात बोलनी थी भाई, वो ये कि जिंदगी में आज पहली बार हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि ट्रांसपोर्टिंग लाइन कोई है। वो किस लिए? एसटीसी कंपनी में आके हर एक सुविधा, नहाने की, खाने की, पार्किंग अलग ही, मतलब पूरा एकदम मस्त लग रहा है। तो पहले नहा लेते हैं, अमित तो नहा के हो गया फ्रेश, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। कि ट्रांसपोर्ट में इज्जत है, इधर है, इधर आके इधर है। ऐसा लग रहा है ना, हाँ। साफ सफाई एकदम मस्त। चले मिलते हैं आपको, पहले हम स्नान कर लेते हैं। तो फाइनली भाई नहा धोकर हो चुके हैं फ्रेश, अब खाना बनाएंगे, फुल टाइम है हमारे पास खाना बनाने का, तो खाना वगैरह बनाएंगे, फिर उसके बाद कल संडे है, कल संडे बनाएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कहीं माल की लोडिंग मिलती है हमें कि नहीं मिलती है। तो भाई खाना पीना खा लिया है, रात के 11 बज चुके हैं, ब्लॉग एडिट कर रहा था, ब्लॉग अपलोड किया और अब क्या है कि अब सो जाएंगे। और हम लोग, आप लोगों को मैंने पहले बता दिया कि एसटीसी ट्रांसपोर्ट है गांधीधाम में, यहाँ पे आ चुके थे पार्किंग में, यहीं पे आके फ्रेश वगैरह हुआ, बहुत अच्छा फील आता है यार यहाँ पे आके। और जिस भाई ने हमें यहाँ भेजा उसका भी गाड़ी, मतलब घोड़ा ही है, वो वहाँ यहाँ पे आ चुका है लोड करके हरियाणा से, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। गुरुदेव भाई बंगू के, उस गुरुदेव मतलब बंगू भाई ने हमें यहाँ पे भेजा और यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें आके। ये वाला घोड़ा वो सामने जो बीच वाला है ना, जटाना जिस पे लिखा है, और ये ट्रांसपोर्ट है। तो चलें इसी के साथ इस व्लॉग का, मतलब अमृतसर से लेके गुजरात गांधीधाम कांडला तक का जो है व्लॉग वो करेंगे हम एंड, और मिलते हैं आपको कल एक न्यू फ्रेश व्लॉग के साथ।
हमें दीजिए इजाज़त, और चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, गुड बाय।